हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. मैं हूँ शिल्पा. और कैसे हैं आप सब लोग? ये समर्स हैं, बहुत ही ख़तरनाक समर्स है जून की. और अब वैसे भी आने वाला है मॉनसून. तो मेरी ऑलरेडी इतनी ऑयली स्किन है और एक्ने प्रोन स्किन है कि एक्ने मेरे वैसे विंटर्स में भी होते हैं तो समर्स में कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं ऑयल और ये उसके ऑयल और पसीने की वजह से. तो नाउ यू कैन सी, मतलब इतना ऑयल वैसे फेस पे चमक भी रहा है और ऊपर से इस पैड पे भी इतना सारा है, ये डर्ट पोल्यूशन वगैरह है, ये कॉज करता है एक्ने ब्रेकआउट्स वगैरह. तो फिर मैंने अपना ये वीकली नाइट टाइम स्किन केयर कुछ ऐसे कस्टमाइज़ करा है ताकि ये फर्दर ब्रेकआउट्स ना हो. और ये वीकली है तो इसे मैं वीक में ही ट्राई करती हूँ. बाकी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो मैं डेली नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ. बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा है वो सिर्फ वीक में करती हूँ, जैसे ही स्क्रब और मास्क वाला है. तो बाकी सब सेम है और दिन के लिए. तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले करना है फेस वॉश. तो मैंने अपने हाथ पहले ही धो लिए हैं अच्छे से. और ये है मेरा फेस वॉश. तो यह है न्यूट्रेजिना का ऑयल फ्री एक्ने वॉश. तो काफ़ी अच्छा है ये ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए. और इसे ऐसे हाथों में पानी के साथ लेके मलना है थोड़ा, और फिर ऐसे झाग बना के पूरे फेस पे लगा लेना है और अच्छे से क्लीन करना है मसाज करते हुए. यहाँ पे मैं थोड़ा मैंने फॉरवर्ड कर लिया अपना वीडियो. तो वैसे मैं आराम से ही कर रही थी स्लोली. तो बस हल्के हाथों से करना है और मतलब कम से कम 30 सेकेंड्स से 1 मिनट तक कर सकते हैं. और फेस भी मैंने अब वॉश कर लिया, अब करूँगी स्क्रबिंग. तो ये हिमालया का प्यूरिफाइंग नीम स्क्रब है. तो जैसे मेरा टी जोन ज़्यादा ही ऑयली रहता है तो उसके लिए यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ मैं. तो ये हमारे जो माइनर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं उनके लिए अच्छा होता है ये वाला, और हमें एक्ने भी कॉज नहीं करता, तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ आजकल समर्स में. तो ऐसे ही अच्छे से हमें मसाज करनी है, मतलब ज़्यादा हार्श नहीं करना है. और ये भी मैंने वॉश कर लिया है. और ये अगर आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं नोज़ पे तो आप ऐसा टूल होता है जो उससे ऐसे निकाल सकते हो. तो मतलब काफ़ी सावधानी से निकालना है, हर्ट नहीं करना है अपनी नोज़ को. तो मेरा उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो बस वो निकल गया है. और अब बारी आती है फेस मास्क की. तो ये मेरा नया है गुड वाइफ्स का, एलोवेरा और कुकुम्बर है इसमें. तो काफ़ी अच्छा है ये आजकल समर्स के लिए. जो इसमें एलोवेरा और कुकुम्बर है ये काफ़ी कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं, सूथ करते हैं हमारे फेस को. मतलब जो एक्ने वगैरह हैं और मार्क्स वगैरह उनके लिए अच्छा है. तो कूलिंग इफ़ेक्ट देता है ये कुकुम्बर, समर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी. तो ऐसे ही पूरे फेस पे लगा लेना है और कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ना है, मतलब 10 टू 15 मिनट्स तक नेक पे भी लगाना है. और फिर जब पूरा सूख जाए तो उसके बाद वॉश कर लेना है. तो अब यहाँ पे मेरा पूरा सूख गया है तो अब मैं इसे वॉश कर लूँगी. फिर वॉश करके अब आती है टोनर की बारी. तो मेरा बायोटिक का टोनर है, कुकुम्बर टोनर. तो ये भी काफ़ी अच्छा है समर्स के लिए. तो ये इससे जो बचा कुचा कुछ रह गया हो तो वो निकल जाएगा और टोन करेगा मेरी ऑयली स्किन को. तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी अच्छा है और ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा है. तो नाइट टाइम में मैं इसे ही यूज़ करती हूँ. तो एयर को भी नहीं भूलना है और नेक पे भी लगा लेना है. तो अब बारी आती है सीरम की. तो ये मेरा ऑलरेडी यूज़ करती हूँ बायोटिक, इसका रिव्यू भी मैं दे चुकी हूँ. तो काफ़ी अच्छा सीरम है. तो मैं हल्के हाथों से इसे भी वैसे मसाज कर लूँगी फेस पे और नेक पे. और मुझे काफ़ी पसंद है ये वाला सीरम. तो ऑलरेडी मैं इसका रिव्यू दे चुकी हूँ. और इसे ऐसे ही अच्छे से लगाना है फेस पे, जैसे जिस मोशन में मैं लगा रही हूँ. और इसके नेक्स्ट आता है बारी मॉइस्चराइज़र के लिए. ऑयली स्किन है फिर भी मैंने ऐसा मॉइस्चराइज़र चूज़ करा है जो कि ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छा. ये है NYB का स्किन फिडेंट रेडियंट ए शो स्टॉपर, ऐसा कुछ लंबा नाम है. फेस सीरम है वैसे ये. इसमें है ग्लाइकोलिक एसिड, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ इसे एज अ मॉइस्चराइज़र. तो ये काफ़ी मतलब मैंने एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया इसे यूज़ करते हुए, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है मेरी स्किन पे. मेरे एक्ने भी कंट्रोल कर रहा है और जो मार्क्स है उस पर भी काम कर रहा है. तो ग्लाइकोलिक एसिड का काम होता ही यही है. और हाँ, आइज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं ये गुड वाइब्स का सीरम है, एरेगन एंड गोल्ड लीव्स के साथ है. तो ऐसी डैब डैब मोशन में थोड़ा हल्के हाथों से मसाज कर लेनी है और लिप्स पे भी लिप बाम वगैरह लगा लेना बस.
तो इसलिए काफ़ी मतलब अच्छा है, एंटी एजिंग भी है, तो फाइन लाइन्स या रिंकल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी, और नेक पे भी लगा लेना है। ये था मेरा वीकली नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। जो मास्क और स्क्रब यूज़ करा है ये सिर्फ मैं वीकेंड पे यूज़ करती हूँ, वीक में सिर्फ एक बार जैसे, और बाकी के जो भी स्टेप्स थे वो मैं रोज़ फॉलो करती हूँ। जैसे कि ग्लाइकोलिक सीरम है जो मेरा, वो मैंने अपने मार्क्स वगैरह के लिए लिया है, तो उससे मेरी स्किन काफ़ी स्मूथ अच्छी हो गई है। मतलब टेक्सचर एक्ने और एक्ने स्कार्स की वजह से काफ़ी टेक्सचर अनइवन सा हो जाता है, वो काफ़ी रिपेयर हुआ है, तो काफ़ी हेल्प किया है इसने मेरे समर्स में, कि ताकि मेरा जो स्किन है वो अच्छा बना रहे। पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, लेकिन मेरी स्किन का टेक्सचर है जो वो अभी भी काफ़ी अच्छा और स्मूथ है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है उसकी। और ये था मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, स्पेशली ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाय बाय।